लड़के का कमाल है। कैमरा ऑन होते ही शर्मा गया। So what's up everybody, this is Abhishek and watching Air Vlog, स्वागत है आप सभी का, let's go! आई नो प्रीवियस वीडियो काफ़ी लेट आया था, अप्रॉक्स 2 वीक पहले, और ये वीडियो भी अभी काफ़ी लेट ही आ रहा जस्ट बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ चल रहा था। वैसे तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। सो इस वीडियो में क्या होने वाला है, ये हम बैठ के बात करते हैं, मतलब कि रास्ते में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने अपने कार पे कुछ मॉडिफिकेशंस कराएंगे। कोई ऐसे बहुत बड़े वाली मॉडिफिकेशंस नहीं है, ऐसे नहीं है कि वरना लेके जाएंगे और उधर से इसको लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट करके ले आएंगे। बहुत ऐसे कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस हैं। तो हमारे कैमरे के पीछे कौन है? जी हाँ, ये है गुंजन गौरव। देखो बिना बोले शक्ल दिखा दिया, हम बोले भी नहीं कि शक्ल दिखाओ कैमरे में। चलो कोई नहीं, दिखा दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में अभी चल रहा है इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन की वजह से तो बहुत सारे ऐसे पूरे गाड़ियाँ रोड के साइड में खड़ी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। तो चलो थोड़ा सा पहले ये देख लो, इतनी सारी गाड़ियाँ मतलब पूरी भर के रखे हैं इन लोगों ने। कैमरा उधर कर भाई। पाँच मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे अपने को, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग को चाहिए और हम लोग जो पार्किंग है, मतलब कुछ स्पेशल सा पार्किंग नहीं, हम लोग मेन रोड पे ही कर रहे हैं, उनका शॉप कुछ इस साइड में है, तो यहाँ तक वायर लाना पड़ता है। तो उनके पास वायर नहीं है, वायर लेने के 5 मिनट लगेगा। तब तक बता देते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हम करा रहे हैं आपको। तो चलो, तो जो बाहर में चीज़ें करा रहे हैं उसका क्या है कि ये जो लाइट्स है इस पर हम वो नॉर्मल वाले रेनबो कलर्स करा रहे हैं, इन फ्लेम्स को हम जेट ब्लैक करा देंगे सेम वही, और नीचे फॉग लैम्प भी हम वही ब्लू कलर से कराएंगे, ब्लू नहीं मतलब वो रेनबो कलर के आते हैं। और बैक में हम बैक के दोनों टेल्स लाइट को हम जेट ब्लैक कराएंगे, और इसको भी हम लोग जेट ब्लैक को सोच रहे हैं, मतलब पता नहीं कैसा लगेगा लुक, पर भैया कुछ बता रहे हैं कि जो भी नए नए चीज़ें होंगी वो बता देंगे हमें। वैसे देखा जाए तो अपन अभी सासरा में है, लेकिन शॉप का नेम पटना आर्ट्स है, पर भैया पटना के ज़्यादा फैन है, तो अभी जल्दी से फटाफट छोटे मोटे मॉडिफिकेशन जो करा लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। मिलते हैं सीधे कराते हुए, गर्मी बहुत। और ये अपना शैडो। कितना इसका लाइफ होता है, मतलब कब तक ये रह जाता है? पाँच साल रह जाएगा। हाँ शक्ल देख लो, 5 साल बोल रहा है नहीं रहा तो इससे मिल लेना आगे सब। साल रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे जा रहेंगे वहीं जाके मिलना पड़ेगा। वैसे अपना भाई बहुत बड़ा कैरी मिनाटी का फैन है, 2-4 डायलॉग मार रहा था, बट पता नहीं कैमरा ऑन होते ही शर्मा गया, बोल ही नहीं रहा कुछ। कि आपका मतलब जो कार का ज़्यादा मतलब ब्लाइंड स्पॉट जितने होते हैं वो कवर करते हैं, तो सेम एक और है उस साइड भी हम लगा देते हैं इसको। और अगर इन ब्लाइंड स्पॉट मिरर की प्राइस की बात करें तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पहुंच के आपको कि दुकान वाला कितना जानता है, उसके हिसाब से आपको प्राइस में मिल जाएगा। मुझे तो ये अप्रॉक्स 220 का मिला, हो सकता है आपके यहाँ और ये सस्ते में मिल जाए या फिर थोड़ा महंगा मिल जाए, देख लेना। उसके बाद ये वाला करने के बाद आगे वाले हेडलाइट्स कराने हैं, वो भी कर लेते हैं।
वो बहुत ज़्यादा गंदी वाली है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली है भाई साहब, और पब्लिक देख रही है। और ये अपने कैरी मिनाटी के बहुत बड़े फ़ैन हैं भैया, एक बार बोल दो ना यार कैसे हो। अरे एक बार बोल दो कैसे इसकी क्रोम है, इसको जो अपन ब्लैक करा देते हैं क्योंकि शायद इससे थोड़ा सा मैचिंग हो जाए। ये ज़्यादा ब्लैक नहीं होगी, ज़्यादा जेट ब्लैक नहीं है, ये जो इसमें नॉर्मल मिरर्स पे आते हैं जो 20% विजिबल वाले वो करा रहा, ताकि इसके क्रोम की शाइनिंग भी साथ में रह जाए। और बहुत गंदी से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी भाई, क्योंकि रोड है पूरा, कुछ नहीं कर सकता मैं। पता नहीं आपको कैमरे में पता चल रहा है कि नहीं, बट थोड़ी सी लुक इन्हेंस हुई है, सही है भाई। आगे में जो ये वाला ब्लैक कलर का कर दे रहे हैं, मतलब प्योर ब्लैक नहीं है, वही फिल्म वाला जो जेट ब्लैक है वो वाला सेम कर रहे हैं। इसका वाला फ्लेम शायद भैया बोल रहे ख़त्म हो गया है, वो देख रहे हैं बाकी फॉग लाइट पे कराते हैं फिर। डिफरेंस देख लो भाई, ये नॉर्मल अभी क्रोम वाला है और इसमें फ्लेम चलने के बाद कुछ ये हल्का सा लाइट ब्लैक हो जा रहा है, जो काफ़ी सिरेमिक ग्लास वाला लुक आ रहा है। और यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलो जाके जल्दी से फॉलो मार लो। यहाँ पे ये वाले कलर है, बहुत लोगों इसको पे लेके डाउट होता है कि विजिबिलिटी इसकी कम हो जाती है, पर ये बहुत माइनर होता है, इसको कोई विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पर, लाइक बहुत माइनर सा फर्क पड़ता है लाइट पे, लेकिन ना निगलेक्ट किया जा सकता। हेडलाइट के लिए अपने पास बचा ही नहीं, बहुत थोड़ा सा है, तो ये हेडलाइट पे हो नहीं पाएंगे, तो भैया बोल रहे हैं कि मंगा देंगे, जब तक मंगा देंगे तब तक करा लेंगे, जितना उतना से कर लेते हैं, और दोनों साइड करना है, और फिर दोनों साइड के इंडिकेटर्स हैं उसके भी अपन सेम करा लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा हो जाने पर घर लेके चलते हैं, फिर लाइट्स वगैरह जला देते, क्योंकि डे लाइट में इतना पता नहीं चल रहा है, ये घर पे जाके पार्किंग में लगाने के बाद पूरा मेन दिखाते हैं। खैर गाड़ी पे तो पूरा काम करवा लिया गया है, मतलब इसको जेट ब्लैक जो कराना था हो गया, लेकिन सबसे प्यारी चीज़ जो है ये हुई है, इसकी जो कीज है बहुत सारी चेंजेस हुए, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। तो ये सारे काम जब भी जहाँ भी आपको कराने का बताते हैं, यहाँ पे आपको एक मस्जिद दिख जाएगा जो सासाराम के, आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे एक पटना आर्ट है, यहाँ सबको अंदर जाना है, अंदर में सबसे जो कॉर्नर वाली शॉप है, आपको यहाँ पे एक बोर्ड और मिल जाएगी, और ये रहा शॉप, भैया का शॉप है। भैया आपका नाम? हाँ बादल। हाँ, और ये अपना कैरी मिनाटी का फैन सबसे बड़ा जो है विष्णु नेम है इसका। भैया आपका, अच्छा एक बात बताइए, जो मेरा वीडियो देख के कुछ डिस्काउंट दीजिएगा उसको देख लो भाई, देखो जो मेरे चैनल के थ्रू आएगा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा ये दे देगा डिस्काउंट देख लो, यहाँ पे पूरे रैप आपको मिल जाते हैं, जो भी कटिंग कराने का डालो, इवन वर्ड्स वगैरह जो ये होते हैं ना, लेटर्स वगैरह ये भी कट करके दे देते हैं ना, तो जो भी प्राइस है आप इनसे डिस्कस कर लीजिएगा। मेरे को जो पड़ा आप पे डिपेंड करता है क्या क्या करवा रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जितना लगता है, तो जितना कराओगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा प्राइस, सब इसका नहीं इस लड़के का कमाल है। ये रात का हम लोग लुक देख लेते हैं कैसा लग रहा है चलने के बाद, शाम हो गया, चलो ये वाला लाइट भी ऑफ कर ही देते हैं। तो ब्रेक जला गुंजन, तो ब्रेक जलने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, पार्किंग लाइट ऑन कर, ठीक है, इस तरह लग रहा है ये रात में, देख लो कुछ ऐसा है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये क्योंकि इससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, और कुछ क्लासी सा लुक नहीं आ रहा है, ऑफ कर दो, मज़ा नहीं आ रहा है यार। तो अभी क्या करेंगे अपन, इसको मैं निकाल रहा अभी कभी निकाल रहा इसको, ये वाली काफ़ी अच्छी लग रही है, ये अब क्रोम नहीं है, अब नॉर्मल सी इस पर मैंने ब्लैक फिल्म चढ़ाया है जिसकी वजह से कॉफ़ी कलर की हो गई, पता नहीं कैमरे में नहीं आ रहा होगा मे बी, तो इसको फटाफट निकाल देते हैं अब क्योंकि मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया मुझे लगा था कि अच्छा लगेगा, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ही गंदा नहीं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे पर्सनली, काफ़ी बाकी सारी चीज़ें अच्छी है बट ये नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो इस पर हम देखेंगे तो कल परसों में जाके हल्की वाली फिल्म आती है इसकी, मतलब जिससे ट्रांसपेरेंट वो दिखता है अंदर का, थोड़ी सी ब्लैक होगी, हल्का सा ब्लैक होगा, बट ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो दिल में पत्थर रख के इसको निकाल दिया जाए, को पैसा बर्बाद, कोई नहीं भाई, गुंजन वापस आए हैं हमें मदद करने के लिए, हमारे दुख में साथ देने आए हैं, तो रेडी है इसको बर्बाद है। और इतने में साथ तो सबसे ज़्यादा वर्थ किया था सिर्फ ये, इसको की जो इतना प्यारा लग रहा है मुझे, मतलब पर्सनली सबसे अच्छा यही लगा, मतलब ये सब बाकी सबसे अच्छा है, इसको निकालते हैं।
डाल दिया गया, अभी प्यारी लग रही है अपनी, धूप हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। I'm not gonna be able to do that.